सो हाई गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, अभी आप लोग देख रहे होंगे मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। मैं खड़ी हूँ पुलिस स्टेशन के बाहर, एंड पुलिस स्टेशन के बाहर मैं इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मैं सुबह से आ रही हूँ, सुबह 8 बजे से, क्योंकि मुझे कॉल करके बुलाया गया था कि आप यहाँ पे आ जाओ। मैं साकेत पुलिस थाने से बोल रहा हूँ, और मतलब जो भी सीन हुए हैं उस सब के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैं अभी आ चुकी हूँ एंड सब बातचीत हो चुकी है, मैं फ्री हो गई हूँ पूरा। और मैंने इस चीज़ के लिए राज को भी बुलाया था, और राज भी आ ही रहे होंगे। राज का मुझे 3-4 बार कॉल आ चुका है, मैं राज को बता भी चुकी हूँ कि कहाँ आना है कहाँ नहीं आना। तो राज का भी वेट करते हैं, एंड बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या सीन हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या सॉल्यूशन निकला, क्या नहीं निकला। एक मिनट राज, राज। सो गाइस, देखो राज भी आ चुके हैं, वो देखो गोरे। ये भी मेरी वजह से गाइस बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि यार इतना सीधा इतना कुछ चल रहा है ना जिंदगी में, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये भी आ चुके हैं। क्या बोला? कुछ नहीं बोला मेरे को, मतलब बोला ये कि क्या कहते हैं, पकड़ना, हाथ दर्द हो गए मेरे को। ये बोला कि अगर आपने कुछ चोरी वोरी करी है, ठीक है, अगर आपने कुछ सामान वगैरह लिया है तो वापस कर दो। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कुछ भी नहीं चोरी वोरी करी है, आप भले ही तो मेरे टेस्ट कर लो, आप मेरा आधार कार्ड वगैरह आधार कार्ड सब चेक कर लो, जहाँ भी मेरी फैमिली रहती है वहाँ भी चले जाओ, सारा चेकिंग कर लो, जो भी गोल्ड वोल्ड आप जो कह रहे हो मैंने चोरी करा और बेच दिया, आप मुझे सबूत दे दो ना, सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है बिल्डिंग में, तो वो फुटेज दे दो कि मैंने चोरी करी। चलो ठीक है, वो भी नहीं, चलो मैं बैग में रख के ले गई हूँ, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी बार बार वो चीजें। किसी जो वो कह रही है ना कि मैंने बेच दी, तो उस सुनार के पास ले जा दे, वो बोल दे कि पूरे अंदर रिकॉर्ड करा लोग दिखाने के लिए। कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई ना, फोन वोन सब जमा हो गया था, तो कैसे रिकॉर्ड करती, बैग तक तो जमा हो गया था। तुम्हें पता नहीं अंदर चेकिंग होती है, क्या चेक करवाती, आपको बताता हूँ क्या सीन क्या है कि गाइस, सबसे पहले तो यार आज किंजल का बर्थडे भी था, ठीक है, और पूरे दिन इसके साथ ऐसा कुछ ही हुआ है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा हर्ट इस बात का हो रहा है कि यार इसका दिन भी मैं स्पेशल नहीं करा पा रहा हूँ। मतलब कोई बात नहीं यार, सारे का क्या है, मतलब मुझे बुरा लग रहा है कि यार किसी फालतू की चीज़ में फंसी पड़ी है, और लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि यार भगवान सबके साथ है, मतलब अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करता है और बुरे जो होते हैं उनके साथ बुरा करता ही है। तो सबसे पहले आप लोग विश कर देना इसको बर्थडे के लिए। बाकी गाइस, वीडियो हम अपनी इतने शाम में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यार थोड़ा मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा खुश कर दूं, लेकिन मैं भाई इतना भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं इसके लिए। लेकिन आप मुझे गाइस देखो, मेरे को बर्थडे वर्थडे अभी नहीं बनाना है, ठीक, इन चीज़ों से मैं निकल जाऊं, ठीक है, मुझे अपना बर्थडे अभी सेलिब्रेट नहीं करना, मैं सेलिब्रेट आराम से करूंगी जब ये सब चीज़ें फ्री हो जाऊंगी। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ इन द एंड मैं ये चीज़ें करूंगी, क्योंकि यार देखो बहुत चीज़ों की गम है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, ऊपर से मेरे पे ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, ऊपर से इसको अकेले रहना पड़ रहा है, रूम अलग ले रखा है हमने, फैमिली इश्यूज, एवरीथिंग, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स है बहुत सारी। बाकी मैं तो इसको वादा करता हूँ कि कभी भी ऐसी चीज़ें आने नहीं दूंगा, लेकिन हाँ इसके लिए कुछ करूंगा जरूर, चाहे अभी करूँ या आगे जाके जरूर करूंगा, बस वो सरप्राइज होगा। तुम आज तक तो करते हुए आए हो, ऐसा तो नहीं है, मेरा हर डे बर्थडे की तरह सेलिब्रेट होता है, और थैंक यू सो मच मेरे साथ खड़े हो, मुझे बर्थडे के पर कुछ नहीं चाहिए, इससे प्यारा बर्थडे मेरा कभी नहीं गया। और बाकी गाइस जो भी रहेगा मैं आपको अपडेट दे ही रहा हूँ, तो अपडेट दूंगा, अभी घर जाते हैं, जो भी रहेगा आपको अपडेट दे देंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर गाइस।